एसडीएम कार्यालय देहरा में शुक्रवार को नगर परिषद आईपीएच अधिकारियों और स्थानीय जनता के बीच एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि गत दिनों देहरा के भगत सिंह युवा क्लब के पदाधिकारियों ने एसडीएम देहरा को एक ज्ञापन देकर नगर परिषद की गलियों की दयनीय हालत के मुद्दे को उठाया था, जिस पर एसडीएम ने इस मामले पर आम जनता व विभागीय अधिकारियों के बीच एक बैठक करने का निर्णय लिया था। एसडीएम कार्यालय देहरा में नगर परिषद आईपीएच अधिकारियों व स्थानीय जनता के बीच एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में स्थानीय लोगों के साथ साथ भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा समर्थन से बनी नगर परिषद के विरुद्ध खूब हल्ला बोला गया। यहां तक देहरा के कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर को भी इसमें दोषी ठहराने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि देहरा में हो रहे सीवरेज निर्माण कार्य के चलते सड़कों व गलियों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों, बच्चों व बुजुर्गों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल देहरा के शहीद भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा एसडीएम साहब को देहरा की दुर्दशा के, देहरा के सातों वार्ड दुर्दशा को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में एसडीएम महोदय ने हमारे सबके अनुरोध पर जो है सभी विभागों के जो एक्शन महोदय हैं, जिस प्रकार नगर परिषद के ईओ साहब है, कार्यकारी अध्यक्ष, उनको हमारे लिए आज तीन बजे की बैठक निश्चित की थी। तो बैठक में हमें सभी विभागों द्वारा मतलब ये आश्वासन दिया गया, जिस प्रकार जो देहरा की गलियों की दुर्दशा है, गलियों को उन्होंने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो ठीक करने का जो निर्णय लिया है। इसके अलावा आईपीएच विभाग है, आईपीएच विभाग द्वारा जो समस्या चल रही है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा जो समस्या हमारी, जैसे हमने एक विषय रखा था 4 नंबर वार्ड में जो नंगी जो तारें जो है इसकी बोर्ड की रह रही है, तो उनका भी आश्वासन दिए कि उनको जल्द ठीक कराएंगे। बाकी जो देहरा के महाविद्यालय के नजदीक नाले की दुर्दशा है, उसको भी उन्होंने ठीक करने का आश्वासन हमें दिया है। इस प्रकार जितनी भी हमारी जो मांगे थी, हमारे यूथ क्लब की देहरा की जो मांग थी, उसके ऊपर हमारे एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दी कि आपकी जो सभी मांगे मानी जाएगी। वहीं एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि अगले 2 महीनों में सभी खस्ताहाल सड़कों व गलियों को ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये नाराजगी है कि यहाँ पे पानी खड़ा होता है। पानी की निकासी के लिए हमने कई बार प्रशासन ने काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन लोगों में इसमें एकता नहीं बनती है। आज अभी जेई कंसर्न यहाँ आए हैं, ये एरिया जो है वो देहरा में अब ट्रांसफ़र हुआ है, और ये श्योर यू के पीडब्ल्यूडी वालों ने बोला है कि इसको हम 3 टायर्स में पानी को इधर उधर कर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इसका हल हो जाएगा। मुझे माननीय उपायुक्त का आदेश है कि अगर पीडब्ल्यूडी को पैसों का कोई ज़रूरत है तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो हमारा प्रशासन जो है वो पैसे देने को भी तैयार है, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।